खूब दी रणभेरी सुदेश पर एतबार बनाएंगे इस बार गांव की सरकार विधानसभा चुनाव 2019 की रणभेरी बज चुकी है। राजनीति पृष्ठभूमि एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार है, क्योंकि इस बार हो रहा है वो जो किसी ने सोचा नहीं। सिटिंग विधायकों का टिकट कट रहा है तो दल बदल बदस्तूर जारी है। वर्षों से बीजेपी की साथ देने वाली आजसू अलग राह पर चल पड़ी है। झाविमो ने टक्कर देने का ठाना है तो गठबंधन ने भी अपना निशाना साध रखा है। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड की पृष्ठभूमि में एक नया इतिहास के लिए तैयार हो रही आजसू पार्टी की। कम समय में राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले युवा नेता सुदेश महतो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्षेत्रीयता की लड़ाई और गांव की पहचान की लड़ाई को इस बार आजसू प्रमुख रूप से सामने रख रहा है। वहीं बीजेपी से अलग होकर अपनी राह चुनने वाले सुदेश महतो ने कहा कि अब लड़ाई अपनों के सम्मान की है। पहली बार कोई सरकार होगी जो गांव की सरकार होगी। सुप्रीमो सुदेश महतो का तेवर और इरादा मजबूत है और इस बार इस राजनीति पृष्ठभूमि में सुदेश महतो की हुंकार एक दम भर रही है, जहां हर कोई सुदेश महतो के साथ आगे आने की बात कर रहा है। लोगों का साथ और समर्थन सुदेश के साथ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ सुदेश महतो अपने कुनबे को मजबूत करने में लगे हैं, तो वहीं पार्टी के कार्यकर्ता आजसू के उद्देश्यों को लोगों तक पहुंचाने में लगी है। भाजपा के साथ रहकर 18 से 19 सीटों की मांग करने वाली आज आजसू पार्टी 30 सीटों से अधिक लोगों की सूची जारी कर चुकी है और ऐसा लग रहा है कि यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आजसू ने अब मन बना लिया है कि झारखंड में अपनी उपस्थिति इस कदर मजबूत तरीके से रखेंगे कि राजनीति अपना एक नया मोड़ लेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुदेश महतो की हुंकार और लोगों का समर्थन विधानसभा चुनाव 2019 में क्या फेर बदल करता है। फिलहाल फैसला जो भी हो, लेकिन झारखंड की राजनीति करवट बदलती नजर आ रही है। 27 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक रह चुके काला मरांडी ने आजसू का दामन थाम लिया। बुधवार को मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान काला मरांडी ने आजसू की पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने ताला मरांडी को माला पहनाकर और पार्टी का पट्टा देकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। अपने संबोधन में ताला मरांडी ने कहा कि आजसू ही एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को साथ लेकर चलती है और युवा ही देश के भविष्य होते हैं। वहीं इस दौरान पाकुड़ से प्रत्याशी अकील अख्तर ने कहा कि संथाल में एक विशेष पार्टी का दबदबा था, लेकिन आजसू पार्टी इन इलाकों में अपना परचम लहराएगी। साथ ही सुदेश महतो ने कहा कि लगातार पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है और आने वाले समय में पार्टी लंबी लकीर खींचेगी। सोना न्यूज रांची से विनोद बनर्जी। मैं आप तमाम लोगों से यही विनती करूंगा, यही आग्रह करूंगा, क्योंकि जब भी का लेकिन जन जन का अगर कोई आवाज बनता है, अगर कोई बात तक जाती है, तो मीडिया के लोगों के द्वारा ही बात जाती है। इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस झारखंड के निर्माण के लिए आप लोगों का हमेशा सहयोग प्राप्त होता रहेगा। हमारे माननीय आदरणीय सुदेश जी को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका हमेशा स्नेह प्यार हम सबों के प्रति, छोटे छोटे राजकर्ता के प्रति बना रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। 3 वर्षों के बाद जो घटनाक्रम 1993 में हुई, हमें लगा कि जिस पार्टी के बैनर तले हम काम कर रहे हैं अपने झारखंड के लिए, झारखंडियों का सपना चूर चूर हो रहा है, उनके साथ धोखाधड़ी हो रहा है। मैं पार्टी से त्यागपत्र देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया
कांग्रेस ने भी हमको मौका दिया दो बार चुनाव रुकने का, इसके बाद फिर उसमें भी नहीं बन पाई। और इसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, भारतीय जनता पार्टी से दो बार मौका मिला विधायक बनने का, और दोनों ही टर्म 2005 से 9 तक और 14 से 19 तक हमने अपने क्षेत्र की जनता की जो इच्छा और आकांक्षा थी, क्षेत्र की जो समस्याएं थी, उसको हमने सदन के अंदर रखने का प्रयास किया। और भरपूर हमने भी प्रयास किया कि जो भी कमी खामी है अपने क्षेत्रों में, उन कमी और खामी को हम कैसे पूरा करें, लोगों की इच्छाओं को कैसे हम पूरा करें, इसके लिए हमने भरसक प्रयास किया। और जो कुछ भी अपने सदन के अंदर सदन के बाहर SPT एक्ट को लेकर, CNT एक्ट को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के, और कई तरह की ऐसी बातें जो झारखंड हित में नहीं थी, जिसको विधेयक के रूप में सदन में लाने का लोगों ने प्रयास किया था, उसका हम लोगों ने खुल करके विरोध किया, खास करके मैंने विरोध किया। और जिसका खामियाजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको बाहर का रास्ता दिखाया, और इसके बाद हम पुनः JMM की तरफ भी हम दरवाज़ा खड़खड़ाने का प्रयास किए, सोचे कि हो सकता है कि इतने लंबे वर्षों के बाद नई सोच के साथ कुछ इस झारखंड के बारे में कुछ सोचते हों, लेकिन हमने वहाँ भी देखा सिर्फ छलावा ही छलावा है। अभी वहाँ भी लोग नहीं सुधरे हैं, झारखंड के प्रति जो सोच होनी चाहिए झारखंड के आम आवाम के प्रति, वो नहीं है। और अंत में मैं आयसू में आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आयसू में सभी खास करके पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, समझदार लोग हैं, झारखंड की क्या स्थिति है, झारखंड के एक एक नस को पकड़ चुके हैं। अरे झारखंड की माटी का संदेश है आया, हो अब तो बदलेगा तकदीर ये सुदेश दादा, हो अब तो बदलेगा तकदीर ये सुदेश दादा। मतदान किया है विचार का दान, कि हम अपना विचार आदरणीय हमारे फलना नेता को देते हैं, तो जैसे ही अपना विचार देने के लिए वोट देने जाएंगे, मतदान करने जाएंगे, मत का दान करने जाएंगे, तो उसका विचार खनकेगा कि मत देना है, वोट देना अलग, मत देना तो अलग होगा। मतदान तो को चर्चा बड़ा करो, ये वोट आने के बाद से ये प्रबंधन में चला गया है, और मतदान रहेगा तो विवेक जिंदा रहेगा, किसको वोट देना है या किसको वोट नहीं देना है, इसको किसको जाना चाहिए, वो टकराएगा विवेक, दिल से आएगा, दिल से आएगा विचार कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हमारा प्रयास सामाजिक न्याय और विकास, आजसू पार्टी को वोट दें, अब की बार गांव की सरकार।